नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं एरिक वॉरिस साहब की बुक गो प्रो का फर्स्ट पार्ट, यानी जो एक इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, उस सिर्फ उसके ऊपर ही ये मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है। तो वॉरिस साहब कहते हैं, अब ये एरिक वॉरिस साहब की बात है कि मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ था। पहली बार ये जनवरी 1988 की बात है, जब मैं 23 इयर्स का था और मैं रियल एस्टेट बेचता था छोटी सी कंपनी में, जो कंपनी मेरे पिताजी और उनके खास मित्र जॉन जोइस की थी। अब मैं उस समय नया नया शादीशुदा हुआ था और मेरे एक बच्चा था, और मैं अपने जो बिल्स थे, जो पे करने थे, वो मैं ओवरड्यू में चल रहा था, डरा हुआ था। अब उस साल मैंने रियल एस्टेट बेचने में $45,000 कमाए थे, पर मैंने $60,000 ऑलरेडी खर्चा कर चुका था और 45,000 पे मेरे टैक्स जो भरना था वो भी पैसे मेरे पास उस समय नहीं थे, और कुछ ही महीनों में मुझे वो टैक्स की रकम पे करनी थी। अब हुआ ये, एक दिन जॉन जोइस साहब मेरे डेस्क पे आए और उन्होंने कहा कि हमें एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मुझे एक तरीका मिला है। तो मैं तो पैसे की वैसे ही तंगी थी, तो मैंने कहा और बताओ मुझे कि कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि उनका कोई खास मित्र है जिसके हाथ ये बात लगी है और उसने हमें अपने घर बुलाया है। तो मैं, जॉन साहब और मेरे डैड, मेरे पिताजी, हम उस मित्र के घर पे गए। जैसे ही हम उसके घर पे गए तो उस भाई ने क्या करा, उस टाइम पे तो VCR थे, वीडियो कैसेट जो थी वो उसने चलाई, और हमने तीनों ने बैठ करके वो एक क्रेजी सा वीडियो देखा, जिसमें सारे ही बड़े बड़े मकान और लिमोजिन गाड़ियां और लोगों की अपनी सर्टिफिकेशन थी कि भाई उन्होंने कैसे बहुत से पैसे कमाए एकदम से, दिन मतलब बहुत ही शॉर्ट समय में पैसे कमाए। अब वो जो वीडियो देखा वो तो मेरे पल्ले समझा नहीं, पढ़ा नहीं, वो मेरे सिर के ऊपर से गया, और मतलब मुझे तो वो बात जची नहीं। अब मैंने कहा ये तो होना है नहीं, पर जैसे ही मेरे मन के विचार समाप्त हुए ही थे, तब जॉन, जो मेरे डैड के मित्र हैं, और मेरे डैड ने कहा ये तो बहुत गंदा है, पर एनीवेज हम इसको करेंगे। अब जैसे उन्होंने अगर हामी भरी तो मैं कौन होता हूँ कि भाई मैं मना करूँ। तो मैंने ऑलरेडी मैं 60,000 खर्चा कर चुका था, 45,000 की मेरी आय थी, 15,000 मैं नेगेटिव में था, तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं। तो अब करना है तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि पिताजी आप दोनों करोगे, मैं भी करना चाहूँगा इसको, बिजनेस को, आप क्या मुझे थोड़ा सा लोन दे सकते हो ताकि मैं ये धंधा शुरू कर सकूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, कर लो, चलो टेंशन नहीं है। अब जैसे काम करना शुरू किया, तो जैसे जनरली एक यंग एज में या दूसरा कोई भी नया नवेला जो बिजनेस में एंटर होता है, तो मैंने भी उसी तरीके से फटाफट पैसे कमाने के सपने देखना शुरू कर दिया, और मैंने भी फटाफट जोश ही जोश में काम करना शुरू किया। अब मैंने कहीं फ़ोन लगाए, कहीं बातें करी, और ऐसा लगा कि भाई मैंने फ़ोन लगाया, फटाफट 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 लोगों ने हाँ भी करी, और मेरे जो इमीडिएट कमीशन है वो भी बनने लगा। अब वो फ़ोन जो लगाए मैंने, वो मेरे तो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी नहीं, मेरे जानने वाले थे नहीं, तो मेरे जो डैड के और जॉन के जो जानने वाले थे उनको मैंने फटाफट से फ़ोन लगाया। अब मैंने ये सोचा कि मैं उनके कॉन्टैक्ट को, उनके जानने वालों को फ़ोन लगाता भी हूँ, और वो लोग अगर हाँ भी कहते हैं तो मेरा क्या नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं, और उनका क्या नुकसान है, उनका भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं की टीम में हूँ, उन्हीं की कंपनी में हूँ, एक ही सर्किल की बात है, तो अगर मेरे काम करने से मुझे फ़ायदा होता है तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया। अब हुआ ये करते कराते जोश ही जोश में काम किया, मेहनत की, 3 महीने हुए, और 3 महीनों में मैंने बिजनेस भी सेटअप किया, पैसे भी कमाए, पर 3 महीने के बाद फिर इनकम कम होने लगी, बिकॉज कि मैं उसके बाद मेरे पास कोई कांटेक्ट थे नहीं, किस से बात करता मैं, तो मैं मतलब फिर वो एकदम से बैक टू स्क्वायर वन या ज़ीरो कह लो,
कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये काम भी नहीं चल रहा। फिर मैं एज यूजुअल जैसे जनरल जनता होती है कि सबको दोष देने लगा कि भाई प्रोडक्ट सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं है। मैंने मेरे अलावा हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को मैंने ब्लेम करना शुरू किया। पर अब मैं ब्लेम करूं, रोऊं, चिल्लाऊं, ये सब करने से मेरे जो बिल्स हैं, मेरे जो खर्चे हैं वो तो निकलने हैं नहीं, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा या इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। अब मैंने रियल एस्टेट का काम 3 महीने 4 महीने 3.5 महीने 4 महीने पहले छोड़ दिया था, इस ये नए वाले काम में मज़ा आ रहा था तो मैंने ये काम पकड़ लिया। अब अगर मुझे रियल एस्टेट से कमीशन या इनकम आनी है तो मुझे फिर उसमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी ज़ीरो से, तो मैं क्या करूँ, नौकरी मैंने करनी नहीं है। तो फिर सब ले दे के फिर से ये आया कि फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ओर फिर से चलूं, क्योंकि यहीं से मुझे फिर इनकम आनी है और इनकम थोड़ी सी फास्ट आ सकती है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैं अपना सिर नीचे करके मेहनत करने लगा और जितनी मेहनत कर सकता था फुल एड़ी चोटी की जोर लगा के किया। पहले तीन साल में मैंने अपनी टीमें 7 बार बनाई। मैं बनाता टूट जाती। अब 3 साल के बाद मैं फिर इतना मायूस हो गया जितना मैं पहले 3 महीने के बाद हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा मायूस हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं 3 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टीमें बन रही हैं, टूटे जा रही हैं, बन रही हैं, टूटे जा रही हैं, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। फिर हुआ ये एक दिन के अचानक दो चीज़ें हुई मेरे सामने। एक कंपनी की बहुत बड़ी कन्वेंशन थी नेक्स्ट डे, उसकी अगली रात को मैं टीवी पे कोई न्यूज़ प्रोग्राम देख रहा था और वहाँ का जो गेस्ट था जो टीवी के प्रोग्राम पे आया हुआ था वो किसी एक टॉपिक पे एक्सपर्ट था। अब वो कौन से टॉपिक पे था वो मुझे याद नहीं आता, पर वो एक एक्सपर्ट था। तो अब वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई कि एक व्यक्ति किसी एक टॉपिक पे एक्सपर्ट कैसे बन सकता है। तो वो पढ़ाई करके बन सकता है, एक्सपीरियंस लेके बन सकता है, ये सारे विचार मेरे दिमाग में उस रात को प्रोग्राम देखते हुए घूमे। फिर दूसरे दिन जब मैं कंपनी के जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थी उसमें गया, तो होता क्या है कि कन्वेंशन में स्टेज पे जिन्होंने रैंक अचीव किया हो, जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, बिजनेस अचीव किया हो, वो आते हैं स्टेज पे और अपना एक टेस्टिमोनियल देते हैं या अपनी स्टोरी बताते हैं। और वो एक एक स्टोरी सुन करके मैं तो मतलब हैरान परेशान हो गया कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपर्ट बनना है। जो पिछली रात का जो एक विचार था कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, पर एक्सपर्ट बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये मैंने उस समय नक्की कर लिया, तय कर लिया। और 2-3 बातें और तय करी कि मैं अब जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, उसको मैं लर्न करूँगा, उसको मैं प्रैक्टिस करूँगा, वहाँ तक प्रैक्टिस करूँगा जब तक मैं एक्सपर्ट न बन जाऊँ, और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। उस समय तक मैं मायूस था, पर उस रात और इस कन्वेंशन में मेरे देखने का जो नज़रिया था बिजनेस को या काम करने का तरीके के जो नज़रिया था वो मैंने पूरा चेंज कर दिया। अब मुझे समझ आ गया कि भाई मुझे ना लकी होना है, ना मुझे कोई मजबूत स्पॉन्सर चाहिए जो मेरा सीनियर हो या मेरा अपलाइन हो, ना मेरे डाउनलाइन जो है मैं उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहूं कि भाई मुझे कोई एक डाउनलाइन ऐसा स्टार मिल जाए या 2 डाउनलाइन जो मेरे स्टार मिल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। नहीं, अगर किस्मत को चमकाना है, अगर बड़ा बनना है, अगर आगे बढ़ना है, तो मुझे जो स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लर्निंग है, वो मुझे बार बार करनी है और मुझे एक्सपर्ट बनना है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल या नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है। अब उस दिन से मेरी विचारधारा चेंज हो गई और मैं उस ट्रैक पे आगे बढ़ने लगा और नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने एक करियर के तौर पे लिया, एक काम के या बिजनेस के तौर पे नहीं, एक करियर के तौर पे लिया। और फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया जहाँ पे लोगों को मैं मिलने लगा और जो अच्छे लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो जिनकी विचारधारा
इस विचारधारा के और आगे एक एक प्रोफेशनल लेवल पे है, ऐसे लोगों से मैं मिलता रहा। तो इस इंट्रोडक्शन से दो तीन तीन चार चीज़ें जो समरी में आती हैं वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक प्रोफेशन है, वो एक करियर है, वो एक एक्सपर्टाइज्ड फील्ड है। उसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी सारी स्किल्स की, उन स्किल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको आप शार्पन करोगे और एक प्रोफेशनल आप बनोगे। तो ये था एरिक वॉरिस साहब की गो प्रो बुक का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसको मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे या ना लगे आप थम्स अप ज़रूर से दें, कमेंट में लिखें आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने नज़दीकी जानने वालों को या अपनी टीम को, और मिल करके हम एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य बनाएं। तो मेरी यही शुभकामना है आपके साथ में। धन्यवाद।